दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की और यूनिट थर्ड पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हम लोग मटेरियल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के ऊपर हमारा जो टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर है, जैसा कि आप लोगों ने अपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मटेरियल क्या होता है। जब भी हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की, कंपनियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो मटेरियल होता है, मटेरियल का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो भी जिससे हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और जो हमारा फिनिश्ड गुड तैयार हो करके बन गया है, ऑलराइट, जो भी हमारा फिनिश्ड गुड तैयार होकर के बनता है, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो हमारी मशीन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, टूल है, उन सभी सभी चीज़ों का, ये सभी चीज़ें हमारे मटेरियल में ही आती है। तो इन सभी चीज़ों का किस तरीके से हमको मैनेज करके रखना है, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो उससे हमारे जो भी मटेरियल हो उसमें कोई भी कमी ना हो। जैसे सपोज़ कि हमारा घर भी होता है, तो हम भी अपने मटेरियल के मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम अपने घर में भी दाल चावल, जो भी बेसिक आइटम होता है, ऑयल है ना, फूड का सब कुछ रखते हैं घर में, जो भी हमारे मम्मी लोग होती तो वो सब कुछ करके रखती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सभी चीज़ों का अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, पता होगा कि इतना इस क्वांटिटी में रखना है, इतना इस क्वांटिटी में रखना है, तो इससे क्या होगा कि सभी चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इससे हमारा जो भी प्रोडक्शन का फ्लो होगा वो रुकेगा नहीं। तो ऐसा होगा कि अगर हमारे पास में, मान लो कि हमको प्रोडक्शन करना है और हमारे पास में मटेरियल है नहीं, तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, है ना। और वहाँ पर उस समय में हमारी कस्टमर की डिमांड बढ़ी होगी और हमको चाहिए होगा प्रोडक्शन, तो हम कैसे करेंगे जब हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो यानी हमको क्या करना पड़ता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमको प्लान करना पड़ता है कि हमको कितनी मटेरियल की ज़रूरत है। जैसे हम अपने घर में प्लान करते हैं कि दाल खत्म होने वाली लेकर के आओ, चावल खत्म होने वाला है लेकर के आओ, उनको सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अब आ भी गया तो उनको कहाँ पर रखना है, कहीं कहाँ ऐसी प्रॉपर जगह पर रखना है कि चूहे ना खा जाएँ, या फिर उसमें इनों की वो कोई ऐसी जगह ना रखी जाए जहाँ पर उससे वो ख़राब हो जाए दाल चावल हमारा, या फिर उसको कंट्रोल करना है ना। तो इसी तरीके से जो भी हमारा कंट्रोलिंग का सिस्टम होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में इस वजह से यूज़ होता है कि उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो कि हमको टाइम पर मिल सके, जब भी हमको ज़रूरत हो तो वो टाइम पर मिल सके। तो उसको कंट्रोल करना, उसकी उस मटेरियल का प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसका कंट्रोल करना, द मटेरियल्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि हमारा जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो सही तरीके से बना रहे, चलता रहे। ऑफ अ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी इज कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। इसी चीज को तो क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल मैनेजमेंट की सिंपल सी डिफिनेशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई है, आप इसको याद कर सकते हो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि टू इंश्योर द राइट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, सही क्वांटिटी मटेरियल कि सही समय पर अवेलेबल हो, सही समय पर अवेलेबल हो, सही प्लेस पर अवेलेबल हो, सही कॉस्ट के साथ में अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि हमको प्रोडक्शन करना है, हमको मटेरियल की ज़रूरत है और हमारे पास में ख़त्म हुआ पड़ा है सामान, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होगी और उससे हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। तो सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए, सही प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए, सही कॉस्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कम हमारे पास में कम है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दी जा रही, जो हम ये हमारे सप्लायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का मैनेज करना, इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट करके रखना, इसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। एक आप जानते होंगे कि अगर आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होगे तो आपको पता होगा कि स्टोर होता है, एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर से जो भी स्टोर के अंदर ही इन सभी मटेरियल का मैनेजमेंट करके रखा जाता है, कितना सामान आना है, कितना भेजा गया है ना। सो ये सभी चीज़ों को वहाँ पर से एक स्टोर के अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड करके रखी जाती हैं। अब देखो इसका एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या करती है, इसका प्रैक्टिसेस है मटेरियल का मैनेजमेंट बाय इफेक्टिव मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। सो दे मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्टॉक ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस, अवॉइड स्टॉक आउट्स एंड मिनिमाइजिंग स्टोरेज कॉस्ट। यानी कि एक जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने सभी मटेरियल को, जैसे कि स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो गए, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से इनको देखभाल करती है, इनका सही तरीके से एक स्टॉक बना करके रखती है, क्योंकि समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ना हो कि स्टॉक आउट हुआ पड़ा है, यानी कि समय आने पर मटेरियल अवेलेबल नहीं है समय पर, या फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, अब मान लो मटेरियल नहीं होगा, एकदम से हम उसको ऑर्डर करेंगे तो क्या होता है,
बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाती है ना। जैसे हम टेलर के पास में जाते हैं, भैया हमको हमारे पास में 2 दिनों का समय, केवल 2 दिनों में शर्ट बनाओ, तो अर्जेंट में जब भी हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसकी हमको कॉस्ट भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो हमको प्रॉपर एक मैनेज प्लानिंग करके रखना चाहिए कि इतना हमारे पास में ख़त्म होगा तो इतना हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए समय पर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। आई होप कि इतना तो क्लियर है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि इसका इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। जैसे मैंने टेलर वाला एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्या है कि हम टेलर के पास में जाते हैं, हम अगर उसको प्रॉपर समय देते हैं, मान लो कि एक शर्ट सिलवानी है तो मान लो 300-400 रुपये लगते हैं ना उसको सिलवाने के, 300 रुपये मान लो लगता है एक एवरेज, 300 रुपये की वो शर्ट एक सिलता है। तो हम अगर उससे बोलते हैं एक हफ्ते का समय देते हैं उसको कि चलो ठीक है जब एक हफ्ते में बना देना आराम से आप बनाना, तो वो चलो 300 रुपये लेगा। लेकिन अगर हम उससे बोलेंगे जाकर कि नहीं हमको कल ही चाहिए या फिर हमको 2 दिन बाद ही चाहिए, अर्जेंट है, तो फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है ना, 100-150 रुपये 200 रुपये तक हम उसको एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। अगर हमारे पास में मटेरियल समय पर अवेलेबल नहीं होगा तो हमको अर्जेंट नीड होगी तो हम क्या करेंगे, तुरंत अर्जेंट हम उसको ऑर्डर देंगे, स्टॉक तुरंत से मंगाएंगे, तो इससे हमारी जो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो हमको कॉस्ट सेविंग में हेल्प होती है कि अगर हम पहले से प्लान करके चलते हैं इतना मटेरियल ख़त्म होने वाला है तो इतना होना चाहिए, जिससे हमारी जो कॉस्ट सेविंग होती है वो सही तरीके से होती है। देन यहाँ पर इम्प्रूव्ड इफिशियंसी का मतलब इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, और समय आने पे जब हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो उससे हमारे जो भी मैन पावर्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो खाली पड़े रहेंगे, है ना। और अगर हमारे पास में सारा मटेरियल है तो समय आने पे ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे, तो इसकी हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती रहेगी। इफ़िशियंसी में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी में क्या डिफरेंस है। तो इफ़िशियंसी का मतलब कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का भरपूर 100% यूटिलाइज करना। देन हमारा थर्ड नंबर पर आता है कि इससे हमारा जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बना रहेगा, अगर हम उसको सही समय पे दे पाएंगे तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। इससे हमारे सप्लाई चैन का भी मैनेजमेंट अच्छे से बना रहेगा। देन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, इन्वेंट्री भी हमारी मैनेज रहेगी, है ना। देन उसके बाद में क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा कि अगर हम मान लो जल्दबाजी करेंगे प्रोडक्ट्स को या फिर पार्ट्स को बनाने में, तो उससे हमारा क्या होगी, क्वालिटी में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। बट अगर हम इसको आराम से बनाएंगे, धीरे से बनाएंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाएंगे, तो हमारी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी प्रोडक्ट की और सभी चीज़ें स्मूथली वर्क करेंगी। इससे हमारा रिस्क भी मैनेज रहता है कि अगर हमको मान लो तुरंत चाहिए तो हमारा रिस्क क्या है, रिस्क भी मैनेजमेंट हो ही रहा है ना, कि हमारा कोई भी मान लो हमको तुरंत चाहिए और हम तुरंत उसको ऑर्डर करें तो हमारे पास में रिस्क है कि हमारे मैन पावर्स, हमारी मशीन खाली पड़ी रहेगी, और अगर वो खाली पड़ी रहेगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी, है ना। बट अगर हम इसको प्रॉपर सही तरीके से मटेरियल का मैनेजमेंट करके चल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं रिस्क से भी बच रहे हैं, रिस्क की सेविंग भी कर रहे हैं। सो ये है इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव। अब इसके कुछ एक फंक्शंस की बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट इससे हम कर सकते हैं, देन स्टॉक एंड वेयर हाउसिंग, जो भी हमारे पास में गोदाम वगैरह है, स्टोरेज है जो भी स्टोर के अंदर जो भी सामान है, जो भी हमारे पास में गोदाम वगैरह वेयर हाउसिंग है, उन सभी चीज़ों का अच्छे से हम मैनेज करके रख सकते हैं। मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से करी जा सकती है। जल्दबाजी में कई बार होता है कि मटेरियल ख़राब भी हो सकता है, आपने तुरंत मंगाया और तुरंत में, जैसे मैं एक वही एग्जांपल टेलर को हम दे कर क्या, उसने भी जो जल्दबाजी में टेलर ने क्या किया, जल्दी बनाने के चक्कर में उसने भी क्या किया, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपकी जो शर्ट होती है उसकी फिटिंग नहीं सही बैठती है। तो यहाँ पर मटेरियल में भी इसी तरीके से अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे, उसके भी डिफेक्ट या फिर क्रैक होने के, स्क्रैप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर वेंडर का मैनेजमेंट, आप वेंडर को सही समय पर ऑर्डर दे पाओगे कि आपके जो भी वेंडर्स हैं कि हमको इतना सामान ये, उनका भी का मैनेजमेंट कर पाओगे। देन इससे क्या कर सकते हो, इसका और क्या फंक्शन है, इसका और क्या रोल है, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हो। आपको पता रहेगा पहले से, इसको आप पहले से डिमांड करके प्लान करके रखोगे कि इतना ख़त्म होने वाला है तो इतना मंगा लो, है ना, पहले से ही। देन कॉस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, डिस्पोजल एंड स्क्रैप मैनेजमेंट, है ना। तो ये सभी इसके कुछ एक फंक्शंस है, रोल है मटेरियल मैनेजमेंट के। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी एक, इसको भी ध्यान रख लेना। तो आई होप कि ये सभी प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ एक फंक्शंस बताए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, ये क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।
मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, समझ में आ गया होगा आई होप। कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, और PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।